नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्था के कार्यालय के बाहर हैं, जहां एचआईवी के साथ जीवित लोग पिछले 31 दिनों से निरंतर आंदोलनरत हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि जो दवाओं की कमी हो रही है, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिंस की, जीवन रक्षक दवाओं की, वो कमी दूर हो पूरे देश में, और जो कम से कम एक महीने की खुराक हर एचआईवी के साथ जीवित व्यक्ति को, बच्चे को मिले, ये मानव अधिकार है। और हरी शंकर सिंह हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करें। आज हम 21 जुलाई से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, आज 30 दिन हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि हम 21 जुलाई पर आगे अचानक से बैठ गए थे। ये करीब 3-4 महीने पहले से, मैं बताऊँ कि ऑल ओवर इंडिया जो है दवाइयाँ, हमारे जो साथियों के दवाइयाँ जो है, जो एचआईवी के मेडिसिन होती हैं, जो हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए होती हैं, वो जो या तो कहीं कहीं शॉर्टेज हो गई थी या कहीं बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अगर मैं बात करूँ यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, भाई बहुत सारे स्टेट थे, आसाम थे, जहाँ पर दवाइयाँ मिलना बंद हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। और यही हाल भी दिल्ली का भी हो गया था, तब हम लोग धरने पर बैठे। और ये दवाइयाँ हमारे लिए, लोगों के लिए ज़िंदगी है। ये दवाइयाँ अगर हम खाएँगे तो स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। अगर नहीं खाएँगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो है दवाइयों को एक टाइम पे खाना होता है, रेगुलर खाना होता है, एक फिक्स टाइम पे लेना होता है और करेक्ट डोज में लेना होता है। अगर हमने दवाई स्टार्ट कर दिया तो हमें कंटिन्यू खाना है, करेक्ट टाइम पे खाना है। लेकिन अगर इस दवाई को हम टाइम पे नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारा वायरस जो है तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगा, तेज़ी से संख्या को बढ़ाएगा। जब तेज़ी से संख्या को बढ़ाएगा तो क्या होगा, हमारा जो है CD4, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो क्या होगा, हम बीमार पड़ेंगे, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होगा और बहुत सारी बीमारी लगेगी, और फिर हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए जो है आज हम जिंदगी को बचाने के लिए, अपने साथियों को जिंदगी को बचाने के लिए आज यहाँ पर हम धरने पर बैठे हुए, ताकि जो हमारी ज़िंदगी बच सके, हमें दवाइयाँ मिल सके। हम तो अभी 30 दिन में अच्छी सच्चाई ये है कि पहली बात तो नाको जो है इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जल्दी पहले बात स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वो हर बार जो है मीटिंग करते हैं, हाँ आपने हमें बता दिया है, हम कोशिश कर रहे हैं, हर बार से हो रहा है कि सब तो ठीक चल रहा है, बस थोड़े से तो लोग हैं यार। किसी एक व्यक्ति की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट होती है, यहाँ तो आज हम 1.5-2 लाख लोगों की ज़िंदगी खतरे में, हमारे दोस्तों के पड़ी हुई है, दवाइयाँ मिलने में दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रही है। आप कह रहे हो थोड़े से लोग हैं आज हमारे, इसीलिए हम लोग बड़े, वो हर बार कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों ने बताया है। आज करीब 7-8 दौर की मीटिंग इनसे हो चुकी है हमारे लोगों को, हर बार कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है, अब कुछ हम ठीक कर रहे हैं। हम मानते हैं कि टेंडर में दिक्कत हो गया, टेंडर की परेशानियाँ थी, बट हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार वही कहते हैं कि हमारे तरफ से दवाइयाँ पहुँच गई हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है दवाइयाँ अभी तक नहीं पहुँची हुई हैं। इसलिए जो कल भी मीटिंग हुई है वहाँ भी यही कहा है कि दवाइयाँ जो है सेक्स सिलेबस से निकल चुकी हैं, यात्री सेंटर पहुँचने वाली हैं, सेक्स की तरफ से कोशिश हो रही है। लेकिन जो है हम ये हम जरूर कहेंगे कि हाँ कुछ सुधार हुआ है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, पहले जो DTG मेडिसिन थी जिसकी वजह से स्टॉक आउट हो रहा था, शॉर्टेज हो रहा था, अभी DTG दवाइयाँ इन लोगों यहाँ पे भेज दिया है दिल्ली के अंदर जो है, और DTG का जो जिनके दवाइया DTG जिनके साथ चला हुआ है, चाहे फर्स्ट लाइन में हो, चाहे सेकेंड लाइन में हो, या थर्ड लाइन में हो, या जिनके TB के मेडिसिन चल रही है HIV के साथ में, उन लोगों को जो है उन्होंने कल परसों से जो है 1-1 महीने के लिए देना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर अभी जो है ये भी DTG की बात हुई है, जाँच सट हुई, लेकिन और जो दवाइयाँ जो बच्चों के दवाइयाँ हैं, लपना भी रेटना भी रहे, और भी कई सारी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयों की अभी भी शॉर्टेज चल रही है। पता नहीं अभी वो कब तक सुधार हो पाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हो उसका सुधार हो पाएगा, हमारे लोगों का मिलना शुरू हो पाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि नाको भी जो है नाको को सद्बुद्धि आए हम तो, और अच्छे से काम करें हम तो, और हमारे लोगों का दवाइयाँ दें। हम ये नहीं कहते हैं कि नाको ने काम नहीं किया है, काम इन्होंने किया, अच्छा किया है, ऐसा नहीं है। आज 2017 से प्रोग्राम चल रहा है, हमारे फर्स्ट लाइन दवाइयाँ भी मिली हैं, सेकेंड लाइन भी दवाइयाँ मिली हैं, थर्ड लाइन भी दवाइयाँ मिली हैं, हमारा CD4 भी हुआ है, वायर लोड हुआ है। इसके लिए हम नाको को धन्यवाद करते हैं, जो काम इन्होंने अच्छा किया है, लेकिन जो अच्छा किया उसको धन्यवाद करते हैं, लेकिन जो हम पर कमियाँ हैं उनको सुधार करने की भी तो ज़रूरत है। आज लोगों की ज़िंदगी दांव पे लगी हुई है, उनको दवाइयाँ की व्यवस्था कीजिए, दीजिए। और जो आपकी समस्या है टेंडर वाली समस्या, जब प्रश्न सही है तभी शॉर्ट टाइम वाली बात है कि आप दवाइयाँ हमें दे देंगे और हमें मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आज ये 17 साल से जो है आपके जो टेंडर का जो बिट्स की समस्या चल रही है, परेशानियाँ चल रही है, तो जो भी कंसर्न अधिकारी हैं, चाहे नाको हैं, चाहे हेल्थ एनीबॉडी,
जो भी ये टेंडर बिड्स को देखते हैं, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें काम करने की जरूरत है, ताकि जो है ये समस्या परेशानी ना हो और ये दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि टेंडर में काफ़ी समय जाता है, काफ़ी समय लगता है, एक लंबा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से गुजरना होता है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा कोई स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, और ताकि जो है ये टेंडर वाली समस्या जो खत्म हो सके हम तो, और जब टेंडर वाली समस्या खत्म हो जाएगी, नगर के पास में तो आसानी से पहुंच जाएगी, चाहे वो हमारे लोग आसानी से मिल पाएगी, तो हम यही कहेंगे चाहे टेंडर के जो भी अधिकारी हैं जो हैं, वो भी अपना स्मार्ट वर्क करें हम तो, ताकि फ्यूचर में दिक्कत ना होने पाए, और जो नाको जो है वो भी अपना स्मार्टनेस दिखाए यहाँ पे, आज उसको अपनी होनेस्टी और ईमानदारी दिखाने की जरूरत है कि कम्युनिटी की लाइफ खतरे में है, अपनी ईमानदारी दिखाए और मेहनत से काम करे और हमारे लोगों का दवाई दे। हम सिर्फ यही चाहते हैं और शुरू से यही चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक महीने का दवाई दे दीजिए, हमें एक महीने की दवाई दे दीजिए, ताकि हमारे लोगों की ज़िंदगी बचाया जा सके, हमारी ज़िंदगी जो खतरे में पड़ी हुई है वो हमें खतरे में ना पड़े, हम लोग दवाई खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, हम देश का योगदान करेंगे, भी बच्चों का देखभाल भी कर पाएंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके साथ जो है अगर हम दवाई खाते हैं, हम किसी को HIV का प्रिवेंशन भी नहीं, HIV का हम वार भी किसी को नहीं दे सकते हैं, कहने का मतलब हम प्रिवेंशन का भी काम करेंगे, अगर हमें दवाई मिलेगा तो हमारा सेहत सही होगा, प्रिवेंशन का भी काम होगा, और जो हमारा देश का जो गोल है कि 2030 तक जो है HIV इसको ख़त्म करना है, तो कहीं ना कहीं अगर दवाई मिलेगी तो ये तीनों गोल कम्प्लीट होंगे, हमारा स्वस्थ भी होगा, देश का जो है 2030 का गोल भी अचीव होगा, और जो नाकों का जो गोल है 95 95 95 वो भी अचीव होगा, लेकिन अगर दवाई नहीं मिलेगा तो सारे गोल धरे रह जाएंगे। थैंक यू जनाब।